Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. नीट यूजी मामले की सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने जानकारी दी है कि इस मामले की सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली थी। क्या नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द की जाएगी या फिर से परीक्षा होगी, इस मामले पर अब सुनवाई होने वाली थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। बुधवार को केंद्र सरकार और एनटीए ने हलफनामा दाखिल किया था। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वो नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि इस साल 5 मई को नीट यूजी 2024 प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था कि परीक्षा में सम्मिलित करीब 24 लाख छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या को देखते हुए रीटेस्ट पर आदेश देना उचित नहीं होगा। पिछली सुनवाई में सीजेआई ने कहा था कि अदालत नीट परीक्षा की पवित्रता को लेकर चिंतित है, ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हो। अगर इसकी जांच के लिए कोई विशेष समिति सरकार द्वारा गठित की गई है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।